सो फाइनली नीट 2024 का पेपर हो चुका है। बहुत सारे लोगों के पेपर बहुत ही अच्छे गए होंगे एंड कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनके पेपर उतने अच्छे नहीं गए होंगे एंड उनको लग रहा होगा कि शायद मेरा इस साल नीट में सिलेक्शन नहीं होगा। तो गाइज मैं उनके लिए थोड़ा सा एक चीज बोलना चाहूंगी कि गाइज इतना उदास होने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं ना, वन पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर। तो एक पेपर आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता है। अभी बहुत सारे मौके आएंगे आपके लाइफ में, हाँ, बट एक चीज है कि आपको हार नहीं माननी चाहिए। जो मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ कि मेरा थर्ड ड्रॉप में सिलेक्शन हुआ है। आप लोगों में से कई सारे लोग अभी होंगे जिनका फर्स्ट ड्रॉप होगा, सेकेंड ड्रॉप होगा और शायद पेपर उतना अच्छा नहीं गया होगा, बट अंदर वो एक ललक होगी कि नहीं, मुझे पेपर तो अच्छा करना है एंड मुझे सिलेक्शन लेना है। तो ये वाली चीज अगर आपके अंदर है ना एंड थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई है इस साल जिससे कि लग रहा है कि शायद सिलेक्शन नहीं होगा, तो उदास होने की जरूरत नहीं है, इस चीज को लेकर पछताने की जरूरत नहीं है कि मेरा इस साल सिलेक्शन नहीं होगा। मैं आपको बस यही बोलना चाहती हूँ गाइस कि आपको इससे सीखना है। आपको अपने पेपर को देख के रोना नहीं है, किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं है कि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, मैंने ये गलती कर दी, मैंने वो गलती कर दी, उसका टाइम नहीं है। आपको उस पेपर से सीख लेने की जरूरत है कि आपने कहाँ गलती करी है एंड उन सारी गलतियों से सीख के आपको आगे बढ़ना है। अपने अंदर वो जज्बा बना के रखना है कि नहीं, मुझे अगर डॉक्टर बनना था तो मुझे डॉक्टर ही बनना है। अगर ये वाली चीज है ना आपके अंदर, तो गाइज यकीन मानो आप जरूर जरूर नीट को क्रैक कर सकते हो। कुछ एक गलतियां हो जाने का मतलब ये नहीं होता कि आप लायक नहीं हो या फिर आप डॉक्टर बन नहीं सकते हो, ये नीट एग्जाम आपके लिए नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है। मेरा खुद का सिलेक्शन थर्ड ड्रॉप में हुआ है, तो उसका बस एक ही, मैं अपने सिलेक्शन का एक ही मूल मंत्र मानती हूँ कि कंसिस्टेंसी, एक डिवोशन, एक ऑनेस्ट तरीके से अपने आप को इस एग्जाम के लिए बनाए रखना, वो चीज चाहिए। वो चीज है ना आपके अंदर, तो यकीन मानो आप कर ले जाओगे, ठीक है। तो जिनका पेपर अच्छा नहीं गया, प्लीज 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 दुखी मत होना। आप लोग के अंदर अगर ऑनेस्टी है तो आप जरूर क्रैक कर लोगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जिनका पेपर अच्छा गया है एंड जिनको लग रहा है कि इस बार उनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो उनको तो मैं पहले हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगी। बहुत बहुत आप लोगों को बधाई एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को कि आपका इस साल नीट में सिलेक्शन होने वाला है एंड आप डॉक्टर बनने वाले हो। अब हम पेपर के लेवल की बात कर लेते हैं कि पेपर का लेवल कैसा। जहां तक मुझे बच्चों का रिएक्शन मिल रहा है और जहां तक मैसेजेस मिल रहे हैं, तो पेपर का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट है। हार्ड नहीं है एकदम से कि बहुत ही ज्यादा हार्ड आ गया हो, ऐसा नहीं है। जैसा नीट 2023 का पेपर था उसी के अराउंड पेपर है इस बार भी। और जैसे कि हम जानते ही हैं कि assertion reason questions पूछे जा रहे हैं पिछले 2-3 सालों से। हमारे जब हमारा नीट 2022 का पेपर हुआ था उसी साल assertion reason questions आने स्टार्ट हुए थे, ज्यादा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। तो उस तरीके के क्वेश्चन इस बार भी पेपर में डाले गए हैं हर एक पार्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो पेपर का लेवल ओवरऑल जो है वो इजी टू मॉडरेट है। और इंडिविजुअली बात कर ले तो बायोलॉजी का जो पेपर है, जो मैंने देखा है अभी, मेरे पास भी क्वेश्चन पेपर आ गया है, तो बायो तो पूरी एनसीईआरटी के लाइन से ही पूछा गया है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि वन लाइनर वाले क्वेश्चन है, जिसको कि ऐसा देखा एंड आपको क्वेश्चन का आंसर याद है, आपको एनसीईआरटी की लाइन याद है, तो आप फट से उस क्वेश्चन को टिक करके आगे निकल सकते हो। मतलब विद इन 5 सेकेंड आप क्वेश्चन को बना के आगे निकल सकते हो। तो बायोलॉजी में ऐसे भी क्वेश्चन बहुत सारे दिए हुए हैं एंड कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो कि assertion reason वाले हैं, लंबे लंबे टाइप के हैं, स्टेटमेंट वाले हैं, जिसपे कि टाइम लग सकता है। तो बायोलॉजी इजी कहीं है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि थोड़ा ट्रिकी है एंड थोड़े जिसपे टाइम लग सकते हैं। ओवरऑल बात करें तो इजी टाइप का ही बायोलॉजी का पेपर है। फिजिक्स की बात कर लेते हैं, तो फिजिक्स जो है वो इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। और मैं जहां तक क्वेश्चन पेपर को देख के मुझे जहां तक लगा है वो ये है कि प्रीवियस ईयर से के ट्रेंड पे ना बहुत सारे क्वेश्चंस फिजिक्स के अंदर दिए हुए हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने क्वेश्चन पेपर को देखा है अभी, जैसे मैंने देखा तो मुझे एक दो क्वेश्चंस ऐसे दिख गए जो कि मेरे को याद आ रहे थे कि ये वाले क्वेश्चंस जब मैं अपनी नीट प्रिपरेशन कर रही थी तो प्रीवियस ईयर में दिए हुए थे। प्रीवियस ईयर के ट्रेंड पे ही क्वेश्चंस हैं फिजिक्स के अंदर बहुत सारे एंड कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस भी इंक्लूड करे गए हैं, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी हैं। तो ओवरऑल फिजिक्स का भी जो पार्ट है वो इजी टू मॉडरेट है। केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, तो केमिस्ट्री का तो हमें पता ही है कि केमिस्ट्री ऐसा होता है कि बहुत ही ज्यादा आसान भी नहीं होता है और बहुत ही ज्यादा हार्ड भी नहीं है, बट थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस हर साल एनटीए पूछता ही है केमिस्ट्री के अंदर, तो वो नए टाइप के क्वेश्चंस थोड़े मेरे को देखने को मिले हैं। और बाकी assertion reason टाइप क्वेश्चन है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी है जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है,
तो ओवरऑल केमिस्ट्री का पेपर भी है, इजी टू मॉडरेट ही है। दिमाग में बात आएगी कि कट ऑफ कैसा रहेगा इस साल का। अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं हम कट ऑफ पे कि कट ऑफ कैसा होगा, बट जैसा रिएक्शन मिल रहा है कि इजी टू मॉडरेट है, देख के भी लग रहा है कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट ही है। कट ऑफ को नीचे आने के चांसेस बहुत कम है। कट ऑफ जो है वो पिछले साल के अराउंड ही रहने वाला है या फिर थोड़ा ऊपर जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल है वो इजी भी कई सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं एंड मॉडरेट टाइप के हैं, तो वो थोड़ा ऊपर भी जाने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हर साल कट ऑफ बढ़ता ही है, बच्चों की संख्या बढ़ती ही है, पढ़ने वालों की संख्या भी बढ़ती ही है, तो थोड़ा ऊपर भी जा सकता है कट ऑफ। ओवरऑल अभी हम कट ऑफ पे उतना कुछ बता नहीं सकते हैं जब तक कि सारे बच्चों का रिएक्शंस नहीं आ जाता है, कुछ आंसर की ना रिलीज हो जाए, तब तक तो उतना नहीं बोल सकते, बट हाँ पिछले साल के अराउंड हम कट ऑफ को बोल सकते हैं। जिनके भी बहुत ही अच्छे मार्क्स आ रहे हैं प्लीज इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में लिख के जाना कि हाँ दीदी मेरे 600 प्लस, मेरे 650 प्लस नंबर आ रहे हैं। साथ में ये भी आप जरूर बताना नीचे कॉमेंट सेक्शन में कि आपको पेपर का लेवल कैसा लगा है, इजी था, मॉडरेट था या फिर आपके लिए हार्ड था, ठीक है। और जिन बच्चों का पेपर अच्छा नहीं गया ना यार, प्लीज आप लोग उदास मत हो, इतना ज्यादा सैड मत हो, एक एग्जाम ही है ये, ऐसा नहीं है कि यही आपके जीवन का आखिरी एग्जाम है, अभी बहुत सारे एग्जाम आपको देने हैं लाइफ में, तो अपने आपको ना हर एक एग्जाम के लिए रेडी करते रहना है, डिमोटिवेट नहीं होना है, लगे रहना है, और अगर आप सच्चाई से ईमानदारी से मेहनत करते रहोगे, अपने आप को कंसिस्टेंट रखोगे ना, तो आप जरूर सिलेक्ट हो जाओगे। तो अगर इस बार थोड़ी गड़बड़ी हो गई है एंड इससे लग रहा है कि पेपर थोड़ा मेरा गड़बड़ हो गया, मैंने सिली मिस्टेक ज्यादा कर लिया, मैंने क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ा, ये सारी चीजें ना मेरे साथ हो चुकी है नीट 2021 के पेपर में, जहां मुझे लग रहा था कि यार इस बार तो सिलेक्शन हो ही जाएगा पक्का, लेकिन मैं 568 पे स्टक हो गई एंड मेरे मार्क्स 568 ही आ पाए थे, तो मुझे भी बहुत ज्यादा पछतावा हुआ था उस साल की, लाइक मेरे इससे भी अच्छे मार्क्स आ सकते थे, मैंने ये सिली मिस्टेक कर लिया, मैंने ये क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा, ये क्वेश्चन छूट गया, तो ये सारी चीजें होती है, दिमाग में आता है, कुछ टाइम तक अभी आएंगी एंड आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग। तो इस क्वेश्चन पेपर को देख के सिर्फ रोना नहीं है, उदास नहीं होना है कि पेपर बहुत ही खराब चला गया, अब क्या होगा, लाइफ कैसे, अब आगे लाइफ में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, उदास हो, दुखी हो, आई नो कि ये सारी फीलिंग्स आ रही होंगी अंदर, लेकिन अपने आप को ना हमेशा मोटिवेटेड रखो, अपने आप को फिर से उठाओ कि नहीं मुझे करना था, मुझे डॉक्टर ही बनना था, तो मैं ऐसे हार नहीं मान सकती हूँ एंड मुझे फिर से एक बार लगना है, ठीक है। सो चलो, जिनका भी पेपर अच्छा नहीं गया है यार, हार नहीं मानना है, हम फिर से लगेंगे एंड हम नीट 2025 के लिए जी जान लगा देंगे, ठीक है। मैं यहाँ हूँ आपके हेल्प के लिए, कुछ भी हेल्प लगे बेझिझक नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, जो भी मेरे तरफ से बन पाएगा मैं आपके लिए करने वाली हूँ एंड एक एनालिसिस वीडियो भी मैं आपके लिए बनाऊंगी अभी कि नीट 2024 का जो पेपर था इसमें कितने ऐसे क्वेश्चन थे जो कि डायरेक्टली एनसीईआरटी से आए हैं, डायरेक्टली पीवाईक्यू से आए हैं, तो एक पूरा डिटेल एनालिसिस वीडियो आएगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के ऊपर, तो वो कल या परसों तक आ जाएगा, तो वो जरूर देख लेना, आपको नीट 2025 वाले कैंडिडेट को इससे काफी ज्यादा हेल्प मिल सकता है अपने प्रिपरेशन को सेव देने में कि लाइक किस तरीके से हमें पढ़ना है, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, पीवाईक्यूज को कैसे बनाना है, कितने क्वेश्चंस पीवाईक्यू से आ रहे हैं, तो आपको पता लगेगा, आइडिया लगेगा, तो आप उस अकॉर्डिंग अपने नीट 2025 के प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हो। तो चलो इस वीडियो के लिए इतना ही, तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाना कि कैसा गया पेपर एंड आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।